हमीरपुर जिला के गांधी चौक पर आज पहली आईआरबी पुलिस बटालियन बनगढ़ के पुलिसकर्मियों के एकलव्य कला मंच ने अनोखे अंदाज में दुकानदारों व राहगीरों को गर्भवती महिलाओं को कोरोना वैक्सीन लगवाने के प्रति जागरूक किया। जिला प्रशासन के आह्वान पर हमीरपुर में विशेष रूप से आए एकलव्य कला मंच के सदस्य 7 दिन तक लोगों को जागरूक कर रहे हैं। कला मंच के सभी सदस्य पुलिस विभाग में विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं। तुझे शर्म नहीं है कि मुंह उठाकर फिर से चली आई? देखिए अम्मा, ये मेरा काम है। पिछली बार भी बताया था और आज भी बताऊंगी। आने के लिए बोल रही है। बोलिए, आप क्या बोल रही थी? देखिए भैया, प्रेग्नेंट लेडीज को वैक्सीन लगने जा रही है, पर अम्मा जी मेरी सुनती कहाँ है? अम्मा हमारे फायदे के लिए तो बोल रही है। तू चुप कर, इतना भी बड़ा नहीं हुआ कि आना हुआ। वो कल हमारे घर में आशा वर्कर आई थी, कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए बोल रही है। तो क्या करें मैम, लगवा लेनी चाहिए? हाँ हाँ, जरूर लगवाओ। पहले ये बात अंडर ट्रायल थी कि गर्भवती महिला को वैक्सीन लगनी है या नहीं, लेकिन अब सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। सरकार द्वारा नई गाइडलाइन जारी की गई है। माँ और बच्चे की सुरक्षा भी तो जरूरी है, इसलिए जाओ और इसे वैक्सीन लगवाओ। तो मैडम, इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा ना? देखो घबराइए मत, किसी किसी को कोरोना वैक्सीन की वजह से हल्का हल्का बुखार आ रहा है। अगर पूजा की तबीयत खराब हुई तो मेरे पास ले आना। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चाहे हो कोई गर्भवती महिला या हो कोई बुजुर्ग व्यक्ति, वैक्सीन लगवाने से नहीं होनी चाहिए किसी को कोई आपत्ति। इसलिए वैक्सीन लगवाएंगे, उचित दूरी अपनाएंगे, मास्क पहनकर जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभाएंगे। कला मंच के प्रमुख अरविंद कौशल ने बताया कि गर्भवती महिलाओं में कोरोना वैक्सीन के प्रति भ्रांतियों को दूर करने के लिए नाटक के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है और हमीरपुर जिला प्रशासन ने कला मंच के सदस्यों को 1 सप्ताह तक विभिन्न स्थानों पर जागरूकता नाटक पेश करने का आह्वान किया था, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं जागरूक हो सकें और अधिक से अधिक वैक्सीनेशन लगवा सकें। इस मौके पर उन्होंने लोगों से भी आह्वान किया कि जो लोग दोनों वैक्सीनेशन का डोज लगवा चुके हैं, वो भी मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाएं। जनता को जागरूक करने के लिए ये एक जागरूक अभियान चलाया गया है जिला हमीरपुर में। 1 हफ्ते का है ये। जो जिला प्रशासन हमीरपुर है, इनके अनुरोध पर एकलव्य कला मंच, फर्स्ट IRB बनगढ़, हिमाचल पुलिस, हम लोग आए हैं। हमें कहा गया था कि कोरोना के ऊपर अभी जो कोरोना की वैक्सीनेशन है, वैसे तो ये 100% जो है वो पूरी हो चुकी है, लेकिन कुछ एक गर्भवती महिलाएँ जिन्होंने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं करवाया था, तो पहले सरकार की ही इस तरह से थी कि पहले नहीं लगा रहे थे उनको, क्योंकि अंडर ट्रायल अभी तक ये चल रहा था कि वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए या नहीं। तो अब इसमें सरकार ने ये गाइडलाइन जारी की गई है कि इसमें जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको इसमें कोई नुकसान नहीं है। ये बिल्कुल उसी तरह से असर कर रही है जिस तरह से हम एक आम व्यक्ति, हम सब ने जिस तरह से वैक्सीनेशन करवाया है, उसी तरह से गर्भवती महिलाएँ भी करवाएँ और सुरक्षित रहें। सर, ये पूरे हिमाचल प्रदेश में आपका जागरूकता अभियान चल रहा है या सिर्फ हमीरपुर जिला में? सर, अभी के लिए तो ये हमीरपुर जिला में है, फिर उसके बाद आगे जिस तरह से हमें निर्देश मिलेंगे हम उस तरह से आगे काम करेंगे।